नमस्कार दोस्तों वेलकम टू आरम्भ एजुकेशन एम्पावरिंग एक्सपिरेंट्स देखिए मैंने आप सबको इन्फॉर्म किया था आज सुबह कि हम लोग रविवार का रण में एक नए टाइप की चीज़ें करने वाले हैं जैसे कि हर रविवार हम लोग एम कुछ कोई सब्जेक्ट का लाएंगे या फिर कोई ऐसा टॉपिक कवर करेंगे छोटा टॉपिक हो एक क्लास में कवर हो जाए या फिर करंट अफेयर्स को करेंगे अपन तो दिसंबर 2021 से लेके लगभग मार्च तक का 2022 तक का करंट अफेयर्स हम लोगों ने कर लिया है आप प्ले लिस्ट जाके देख भी सकते हैं उसके आगे का करंट अफेयर्स हम लोग संडे को करने की कोशिश करेंगे मैं ये इसलिए चाह रहा था क्योंकि मंडे से सैटरडे तक आप एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उसके बाद क्या है थोड़ा सा संडे को एक चेंज हो जाएगा तो एक रिफ्रेशमेंट हो जाएगा आपका माइंड जो है वो रिफ्रेश हो जाएगा एक नई ऊर्जा का संचार होगा आपके माइंड पे तो आप फिर मंडे से फिर से रिफ्रेश माइंड से क्या करेंगे आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर पाएंगे जो हम लोग आजीविका कर रहे हैं तो संडे बस की बात कर रहा हूं मैं तो हर संडे को जो है हम लोग ऐसी कुछ अच्छी चीजें लाने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपका एमसीक्यू भी होता रहे करेंट अफेयर्स भी कवर होता रहे या कोई ऐसा छोटा टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से और वो एक क्लास में कंप्लीट हो जाएगा तो इस टाइप का प्लान मैं कर रहा हूं तो तो इस सीरीज को हम रविवार का रण कहेंगे और इसके तहत जो है वो हम लोग इस टाइप की चीजों को लाने की कोशिश करेंगे ठीक है तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक का जो सपोर्ट आप सब ने हमारे चैनल को ग्रामीण विकास और आजीविका में दिया है इस सीरीज़ को भी आप वो उस तरीके का सपोर्ट देंगे और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि कुछ इनोवेटिव आपके लिए कर सकूँ कुछ और बेस्ट कर सकूँ हर दिन आरंभ एजुकेशन आप लोगों के लिए कुछ बेस्ट प्रोवाइड करने के लिए प्रयासरत है और हर दिन मैं आप लोगों के लिए एफ़र्ट डाल के कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ और इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ और बेहतर प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं तो आप लोग का भी उत्तरदायित्व तो बनता है जिम्मेदारी बनती है आप सबकी भी कि आप सब भी अपने दोस्तों में इसे शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके और सब्सक्राइबर को जल्द से जल्द आप लोग टेन के करने की कोशिश करेंगे ये आप लोग का टारगेट है सब्जेक्ट कंप्लीट करवाना मेरा टारगेट है ठीक है तो टारगेट याद रखिएगा टेन के सब्सक्राइबर्स तो अब हम लोग आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं आज है हम लोग पंचायती राज और ग्रामीण विकास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम करेंगे इसमें से कुछ सवाल प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुके हैं व्यापम और पी के और कुछ सवाल जो है वो इस बार पूरी पूरी तरीके से मैंने खुद उसको बनाया है कुछ सवाल को जो इस तरी इस बार आने की पूरी पूरी संभावना जिसकी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिस एक एक सवाल से यहां मैंने 20 सवालों को लिया है लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि यहां पर आपके 40 से 50 सवाल मैं कवर करूंगा मेरा एम पढ़ाने का तरीका आप सबको पता है जो पहले से जुड़े हुए चैनल से उन लोगों को हम लोग बहुत ज़्यादा एक ही एक सवाल के अंदर घुस के तीन चार सवाल तो मैं वहीं पर बता देता हूँ आप लोग को ठीक है तो इस तरीके से हम लोग आज की सीरीज करने की कोशिश करेंगे ठीक है पंचायती राज का जो मैं क्वेश्चन लिया वो सारे क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं वो सारे क्वेश्चन आपके पी जो मैंने प्रोवाइड करवाया है पंचायती राज का जो चार्ट मैंने प्रिपेयर किया था आप सबको पता होगा वो बहुत से लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस आया सौ से ज़्यादा लोगों ने उसको खरीद चुके हैं बहुत से लोगों को अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस उससे फ़ायदा मिला है तो जो नए हैं चैनल पे उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि वो पी आप लोग जो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा बाई लिंक वहाँ पर से आप लोग परचेस कर सकते हैं आप लोग को उसका पी प्रोवाइड करा दिया जाएगा और उसको आप पी को आप निकाल भी सकते हैं ऐसे भी पढ़ सकते हैं ठीक है तो वो पूरे चार्ट से कवर हुआ देखिए प्रीवियस ईयर पेपर जो क्वेश्चन आया पंचायती राज का जितने भी क्वेश्चन हम लोग आज शुरू करेंगे वो पूरा आप उस चार्ट को पढ़ेंगे तो आपसे बन जाएगा रिविजन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है तो आप लोग उसको ध्यान में रखिएगा आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ठीक है तो शुरू करते हैं आज पंचायती राज का फर्स्ट क्वेश्चन ग्राम सभा की बैठकों में महिलाओं की गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए देखिए ग्राम सभा की बैठकें मैंने आपको ग्राम सभा पूरा पढ़ा है पांच क्लास हो चुकी है हम लोग की पंचायती राज तो जहां से जितना हम लोग पढ़े हैं उसी का मैं एमसीक्यू लेके आया हूं आज तो अगर जो स्टूडेंट्स नए हैं उनको इसका थ्योरी पोर्शन पढ़ना है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और पंचायती राज का प्ले खोल के आप लोग थ्योरी पढ़ सकते हैं जो लोग पढ़ चुके हैं ठीक है, है वहाँ यहाँ पर भी मैं पूरी पूरी तरीके से सब पढ़ा समझाने की उसकी कोशिश करूँगा ग्राम सभा की बैठक उसमें महिलाओं की गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए तो देखिए महिला गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए ग्राम सभा की बैठक में एक बटा देखिए एक पहले तो देखिए गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए तो उसमें गणपूर्ति होनी चाहिए एक बटा दस सदस्य मतलब ग्राम सभा के कुल सदस्यों में जैसे कि मान लो जाए ग्राम सभा में कितने सदस्य हैं सौ सदस्य हैं ग्राम सभा के सदस्य कौन होता है अट्ठारह वर्ष पूर्ण कर चुका हर वो व्यक्ति जिसका नाम उस ग्राम सभा की मतलब उस पंचायत की ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली में है ना निर्वाचक नामावली में दर्ज हो मतलब वोटर लिस्ट में दर्ज हो वो सभी सदस्य जो होते हैं वो ग्राम सभा के सदस्य कहलाते हैं अब उन सदस्यों में से एक बटा दस सदस्य जो होते हैं वो होता है उसकी गणपूर्ति मतलब कोई भी सम्मेलन ग्राम सभा का कोई भी बैठक तभी चालू होगा जब इतने सदस्य जो है एक बटा दस सदस्य मतलब सौ सदस्य अगर हैं अब अग एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं तो दस सदस्य जब उपस्थित हैं तभी कोई भी बैठक जो है वो स्टार्ट होगा तो गणपूर्ति किसको बोलते हैं किसी भी बैठक को शुरू करने के लिए जितने सदस्यों की ज़रूरत पड़ती है उसको उसका गणपूर्ति बोलते हैं तो एक बटा सदस्य सदस्य गणपूर्ति होता है और एक बटा दस में से एक बटा तीन महिला सदस्य होना अनिवार्य है ठीक है मतलब अगर सौ टोटल सदस्य हैं ग्राम सभा के एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं ठीक है तो दस सदस्य गणपूर्ति होगा और उसका एक बटा तीन मतलब तीन महिला सदस्य वहां पर उपस्थित होना जरूरी है तो ऑप्शन ए दिया है एक बटा दस तो ये तो पूरा टोटल गणपूर्ति रहता है एक बटा छ ये तो होता ही नहीं है एक बटा पांच ये भी नहीं होता एक बटा तीन ये जो ऑप्शन डी होगा वो सही आंसर होगा एक बटा तीन महिला सदस्य क्योंकि महिलाओं की गणपूर्ति इसमें पूछा है ठीक है तो ऑप्शन होगा डी एक बटा तीन सदस्य क्लियर है एकदम इस तरीके से डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे हम लोग ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ग्राम सभा के सदस्य के रूप में कौन पंजीकृत हो सकता है यह मैंने आपको अभी बताया तो ऑप्शन ए देखिए समस्त वयस्क पुरुष ऑप्शन बी समस्त वयस्क स्त्रियां ऑप्शन सी ग्राम में रहने वाले सभी व्यक्ति ऑप्शन डी ग्राम में रहने वाला व्यक्ति जो विधानसभा निर्वाचक नामावली में पंजीकृत किए जाने के लिए अरहर है देखिए ग्राम सभा का सदस्य वो सब होते हैं जो जो विधानसभा का चुनाव होता है ना उसमें वोट डाल सकते हैं सीधा अगर शॉर्ट फॉर्म में मैं बोल बोलूँ तो वोट डालने का जो अधिकारी रहता है और ग्राम विधानसभा का जो निर, निर्वाचक नामावली रहती है निर्वाचक नामावली मतलब वोटर लिस्ट उसमें जिसका नाम दर्ज होता है वो सब जो होते हैं वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं तो ऑप्शन आ जाएगा डी ग्राम सभा ग्राम में रहने वाले ग्राम में रहने वाला व्यक्ति जो विधायक निर्वाचक नामावली में पंजीकृत किए जाने के लिए अरहर है अर्थात वोटर लिस्ट में जिसका नाम है वो सारे सदस्य ग्राम सभा के सदस्य कहलाएंगे पंजीकृत हो सकते हैं एकदम क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करते चलेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये देखिए लाइब्रेरियन एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर 2017 के पेपर में ये वाला जो क्वेश्चन मैं अभी बताया वो आ चुका है ठीक है अब देखते हैं सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के विषय में क्या सही नहीं है देखिए या ध्यान रखिए ना कभी भी पेपर में इस तरीके का सवाल आता है तो अगर नहीं है लिखा है तो उसके नीचे आप पेन से अंडरलाइन करेंगे ऑफलाइन पेपर तो होता ही आपका मैंने पहले भी बताया था इसको कि नहीं के नीचे आप अंडरलाइन करेंगे क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो नए नए पेपर दे रहे हैं या पुराने पेपर दे रहे हैं बहुत एक्सपीरियंसड हैं वो लोग से भी ये जो मिस्टेक हो जाता है कि नहीं को वो लोग नहीं देख पाते हैं तो वो क्या मान लेते हैं सही है ऐसा सोच लेते हैं तो यहां पर पूरा सवाल पलट जाता है और सवाल गलत करके आ जाते हैं और जब आप आके पेपर घर में देखते हैं तो आपको पता चलता है कि नहीं है लिखा था ठीक है तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे नहीं के नीचे आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे तो आपके दिमाग में वो चीज याद रहेगा अब क्या पूछा है अविश्वास प्रस्ताव के विषय में क्या सही नहीं है पूछा है तो अविश्वास प्रस्ताव को मैंने डिटेल में जो है वो ग्राम पंचायत वाले यूनिट में पढ़ाया था तो एक स्टूडेंट का डाउट भी आया था कि मैंने उसको इक्कीस को एग्जाम्पल लेके बता दिया था कि ग्राम पंचायत में मान लो जाए इक्कीस सदस्य हैं मतलब इक्कीस पंचों से मिलकर ग्राम पंचायत बना है तो उसके बाद में इक्कीस के रिस्पेक्ट में लेके बताया था तो उनका डाउट था कि 21 जो है वो ग्राम पंचायत में सदस्य ही नहीं होते, ग्राम पंचायत में 10 से 20 होते हैं जबकि बार बार ले रहा हूं क्योंकि आसान, आसान हो जाएगा इसलिए इसको मैं इक्कीस लिया हूं करके ठीक है लेकिन मैं आप लोगों को यहां पर एक एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि सरपंच विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के विषय में क्या सही होता है मतलब अविश्वास प्रस्ताव कैसा आता है मैं पूरा यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं देखिए मान लो जाए कोई ग्राम पंचायत जो है वो बीस सदस्य हैं ठीक है, है? मान लो जाए बीस सदस्यों से मिलकर एक ग्राम पंचायत का गठन हुआ है बीस पंचों से मिलकर ठीक है अब कुल सदस्य कितने हैं बीस पंच हैं ठीक तो इसमें क्या होता है कि अविश्वास प्रस्ताव के दिन उपस्थित तथा मतदान उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का तीन चौथाई बहुमत है ना जब बीस पंचों से मिलकर अगर किसी ग्राम पंचायत का निर्माण होता है तो उस दिन कितने उपस्थित हैं सभी लोग जरूरी नहीं है कि उपस्थित रहेंगे तो उपस्थित तथा मतदान करने वालों का तीन चौथाई बहुमत देखा जाता है मतलब उपस्थित तथा मतदान करने वाले मान लो जाए कि 16 सदस्य जो है वो उपस्थित हैं और मतदान करने वाले हैं ठीक है तो उनका तीन चौथाई बहुमत द्वारा पारित संकल्प मतलब चार चौकी हो जाएगा 16 और चार तिया बारह तो ये जो 12 है उपस्थित तथा मतदान करने वालों का दो तिहाई बहुमत हुआ तो कुल सदस्यों के मतलब 20 कुल सदस्यों हैं तो उनके दो तिहाई बहुमत अगर हम लोग निकालते हैं मतलब ये क्या हो जाएगा तीन चौथ दो तिहाई का मतलब हो जाएगा कितना फिर से 6.6 6.6 मतलब सेवन ठीक है तो ये आ जाएगा कितना सात तो उसमें कैलकुलेशन कैसा बनता है तो, तो ग्राम पंचायत के सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव अगर लाया जा रहा है तो उपस्थित तथा मतदान करने वालों का जो तीन चौथाई बहुमत है अर्थात बारह जो है वो कुल सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से अधिक होना चाहिए मतलब ये ज्यादा होना चाहिए ठीक है तो यहां पर देखो आप कैलकुलेशन कैसा बैठ रहा है अब उपस्थित तथा मतदान करने वालों का दो मान लो जाए बीस सदस्य हैं टोटल बीस सदस्यों से मिलकर पंचायत का निर्माण हो रहा है तो उपस्थित तथा मतदान करने वालों का तीन चौथाई बहुमत मतलब सोलह अगर उपस्थित तथा मतदान करने वाले हैं तो उनका तीन चौथाई निकाल लेते हैं तो ये आ जाता है बारह तो कुल सदस्यों के दो तिहाई बहुमत मतलब बीस सदस्य कुल सदस्य हैं उसका दो तिहाई मतलब सिक्स पॉइंट सिक्स आ जाएगा है ना तो उसके बाद क्या होगा सात हो जाएगा ये तो कुल सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से अधिक होना चाहिए तब यह अविश्वास प्रस्ताव क्या हो जाएगा पारित हो जाएगा तो मैं आपको एग्जाम्पल से पूरा तरीका से समझा दिया हूं पहला जो पॉइंट दिया हुआ है ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से एक वर्ष के भीतर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है यह बिल्कुल गलत है प्रथम सम्मेलन से जो है वो स्टार्ट किया जाता है तो प्रथम सम्मेलन की तारीख से कार्यकाल का शुरुआत माना जाता है मैं आपको बताया था सबको क्लास में ठीक है करने वाले सदस्यों की तीन चौथाई बहुमत से पारित होना चाहिए बिल्कुल सही है मैं आपको अभी बताया हूं लेकिन यहां पर याद रखना ना, गलत को पूछा है कौन सा ऑप्शन गलत है तो ये है। दूसरा ऑप्शन में नहीं आएगा हमारे उत्तर का हिस्सा नहीं है दो पहला है क्योंकि पहले ये गलत है पूछा है तो पहला ऑप्शन गलत है कौन कौन सा ऑप्शन गलत है वही हमारा आंसर होगा है ना इस तरीके से कैलकुलेट करना है तीसरा ऑप्शन क्या है तीन यह कुल सदस्यों के दो तिहाई से अधिक सदस्यों द्वारा पारित होना चाहिए भी बिल्कुल सही है मतलब हमारे ऑप्शन का मतलब उत्तर का हिस्सा नहीं है ये चौथा क्या है यह कुल सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पारित होना चाहिए तो दो तिहाई बहुमत से पारित होना चाहिए ये गलत ऑप्शन है ठीक है क्योंकि दो तिहाई से अधिक से पारित होना चाहिए पांचवा सरपंच अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध कलेक्टर के समक्ष अपील कर सकता है ये बिल्कुल सही है और छठवा सरपंच अविश्वास प्रस्ताव के पंद्रह दिन के भीतर अपील कर सकता है पंद्रह नहीं ये सात दिन है देखिए सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जैसे कि पारित हो गया और सरपंच को लगता है कि अविश्वास प्रस्ताव में कुछ धांधली हुआ है उसके खिलाफ गलत हो रहा है उसके तहत उसके खिलाफ षडयंत्र किया गया है तो वह कलेक्टर से अपील कर सकता है सात दिन के भीतर और कलेक्टर सात दिन के भीतर अपील करने के बाद तीस दिन के भीतर निर्णय देगा जो पूर्ण तरीके से अंतिम होगा उसको मानना पड़ेगा तो ऑप्शन सिक्स जो है वो फिर से क्या हो जाता है गलत हो जाता है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन वन फोर और सिक्स ये तीनों जो ऑप्शन हैं वो हमारा गलत है पहला ऑप्शन गलत है क्योंकि एक महीने एक साल के भीतर तो अपील नहीं किया जा सकता और चौथा और छठवा भी गलत है ठीक है दो तिहाई बहुमत से नहीं दो तिहाई से अधिक से पारित होना चाहिए और छठवा क्या है छठवा आपका पंद्रह दिन के भीतर नहीं सात दिन के भीतर अपील होता है तो ये जो हो जाएगा वो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा क्योंकि गलत को पूछा है ठीक है तो आप लोग उसको मैच करके देखिएगा अच्छे से इसको सॉल्व करिएगा पूरा विश्वास प्रस्ताव को मैं यहाँ पर डिटेल में समझा दिया हूँ ठीक है आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा जो नए स्टूडेंट हैं और आपको जिनको नहीं समझ में आया है वो जाके क्लास को देख लेंगे डिटेल में समझाया हूँ मैं उसको ग्राम सभा की किस बैठक में नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम सभा की किस बैठक में ग्राम पंचायत का बजट पारित किया जाता है ठीक है तो देखिए ऑप्शन ए साधारण बैठक ऑप्शन बी असाधारण बैठक ऑप्शन सी विशेष बैठक ऑप्शन डी स्थगित बैठक ऑप्शन ई e, उपयुक्त में से कोई नहीं ग्राम पंचायत का वार्षिक बजट पारित किया जाता है तो देखिए जो साधारण बैठक होता है उसमें अगर गणपूर्ति नहीं होती है मतलब एक बटा दस सदस्य और एक बटा तीन जिसमें से एक बटा तीन क्या होने चाहिए महिला अगर ये गणपूर्ति पूरी नहीं होती है तो उस साधारण बैठक को क्या किया जाता है स्थगित कर दिया जाता है तो स्थगित बैठक में पांच मुद्दे नहीं लाए जाते हैं मैंने आपको बताया था क्या क्या मुद्दे नहीं लाए जाते हैं स्थगित बैठक में वार्षिक कार्य योजना दूसरा हितग्राहियों का चयन तीसरा वार्षिक बजट पर चर्चा नहीं की जाती चौथा लेखा संपरीक्षा नहीं की जाती और पांचवा प्रशासनिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया जाता स्थगित बैठक में तो बजट पारित किया जाता है कौन से बैठक में तो बजट तभी पारित किया जाएगा जब वो बैठक साधारण बैठक होगा और उसमें गणपूर्ति पूरी होगी मतलब एक बटा दस सदस्य और एक जिसमें से एक बटा तीन महिला होनी चाहिए जब गणपूर्ति पूरा होगा तभी वो साधारण बैठक में बजट को पारित किया जाएगा वर नहीं तो अगर गणपूर्ति पूरा नहीं होता है तो उस बैठक को स्थगित करके किसी दूसरे दिनांक किया जाएगा और उसको स्थगित बैठक कहा जाएगा और इन पांच विषयों पर स्थगित बैठक में चर्चा नहीं की जाती है जो जो बैठक में आपको जो जो पांच टॉपिक में आपको बताया ना उसमें स्थगित बैठक में चर्चा नहीं की जाती है सिर्फ साधारण बैठक में ही चर्चा की जाती है तो बजट सिर्फ और सिर्फ साधारण बहु बैठक में ही पारित किया जाता है क्लियर आप वो पांचों चीजों को जो मैं आपको बताया हूं उसको ध्यान में रखेंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पंचायत के विषय में क्या सही नहीं है फिर से यहां पर क्या आया क्या सही नहीं है तो अपन देखते हैं अब क्या क्या सही नहीं है ऑप्शन ए ग्राम पंचायत में अधिकतम बीस पंच हो सकते हैं ठीक है तो ग्राम पंचायत में कितने मिनिमम दस और मैक्सिमम कितने बीस पंच हो सकते हैं तो पहला बिल्कुल सही है लेकिन क्या पूछा है आपको सही नहीं है तो दूसरा देखते हैं अब ग्राम पंचायत में यदि पंद्रह पंच निर्वाचित हैं तो पांच पंच मनोनीत किए जाते हैं ये गलत है बिल्कुल देखो सरपंच निर्वाचित होता है कौन कौन ग्राम पंचायत में निर्वाचित होता है ठीक है निर्वाचित किसका किसका होता है निर्वाचन ग्राम पंचायत में सरपंच और सरपंच और पंच का ठीक है उप सरपंच का निर्वाचन नहीं होता है तो दूसरा क्या लिखा है ग्राम पंचायत में यदि पंद्रह पंच निर्वाचित हैं तो पांच तो पंच मनोनीत किए जाते हैं है। है। नामित नामित ना है पंचायत पंचायत ठीक है चौथा ग्राम पंचायत में दस पंच भी हो सकते हैं बिल्कुल सही है मैक्सिमम बीस हो सकते हैं यहां पर और पांचवा क्या है पंचों के निर्वाचन में समान मत आने पर लॉर्ड द्वारा निर्णय होता है ठीक है और छठवा क्या है मनोनीत सदस्य बैठक में भाग लेते और मतदान कर सकते हैं तो ये पांचवा छठवा जो ऑप्शन है वो भी गलत है क्योंकि मनोनीत सदस्य बैठक में भाग तो ले सकते हैं एक तो मनोनीत सदस्य होते ही नहीं है मनोनीत सदस्य भाग ले सकते हैं और लेकिन मतदान नहीं कर सकते है ना मनोनीत सदस्य और होते भी नहीं है ग्राम पंचायत में तो ये ध्यान रखना तो क्या बोला है क्या सही नहीं है तो क्या क्या डिसाइड किए थे अपन पहला तो सही है दूसरा सही नहीं है तीसरा भी सही नहीं है और छठवा भी सही नहीं है तो दूसरा तीसरा और छठवा तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का दो तीन और छः मतलब इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी दो तीन और छः क्लियर हो गया एकदम एक एक चीज को आपको पॉइंट को क्लियर किया हूं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत के गठन के संबंध में सत्य है ठीक है अब ये क्या पूछा है यहाँ पर सत्य है पूछा है तो सही कौन को, सा है वो देखना है प्रत्येक गांव के लिए ग्राम पंचायत गठित की जाएगी तो पहले क्या बताया था देखो मैं आपको शुरू से बताता हूं जो जो अपना राज्यपाल है राज्यपाल अधिसूचना जारी करके गांव या गांव के समूह को है ना मतलब एक गांव मतलब या दो गांव रहेगा तो ये कई ठो गांव रह सकता है गांव या गांव के समूह को क्या घोषित करेगा ग्राम घोषित करेगा और प्रत्येक ग्राम की एक ग्राम पंचायत होगी और ग्राम पंचायत होगी ना प्रत्येक ग्राम की तो ये ग्राम के अंतर्गत कितने रहेंगे कई ठो गाँव रहेंगे और ये हर गाँव की एक क्या होगी ग्राम सभा होगी तो गाँव ये एक गाँव की एक ग्राम सभा इसकी ग्राम सभा इसकी भी ग्राम सभा अब ये सब ग्राम सभा मिलकर क्या बनाएंगे ग्राम बनाएंगे और ग्राम में क्या होगा ग्राम पंचायत होगा तो अब इसको देखते हैं देखो पहला ए प्रत्येक गांव के लिए ग्राम पंचायत गठित की जाएगी बिल्कुल सही है बी ग्राम पंचायत में सरपंच चुने हुए पंचों द्वारा नामजद होता है सरपंच चुने हुए पंचों द्वारा नामजद नहीं होता है सरपंच के लिए इलेक्शन होता है जिसमें पब्लिक डायरेक्ट जाके वोटिंग करती है तो ऑप्शन बी हो गया गलत ऑप्शन सी ग्राम पंचायत में आरक्षण का कोई प्रोविजन नहीं है ये बिल्कुल गलत है ग्राम पंचायत में आरक्षण है ठीक है तो पहला ऑप्शन ए ग्राम पंचायत के गठन के संबंध में सत्य है ए प्रत्येक गांव के लिए एक ग्राम पंचायत गठित की जाएगी ठीक तो प्रत्येक गांव के लिए एक ग्राम पंचायत गठित की जाएगी तो गांव के लिए क्या बताया गांव के लिए क्या रहती है ग्राम सभा रहती है ग्राम सभा से मिलकर ग्राम पंचायत बनता है तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन बी ग्राम पंचायत में सरपंच चुने हुए पंचों द्वारा नामजद होता है नामजद नहीं क्या होता है उसका निर्वाचन होता है पब्लिक जाकर डायरेक्ट वोटिंग करती है तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया ऑप्शन सी ग्राम पंचायत में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है आरक्षण का प्रावधान है जितने प्रतिशत जनसंख्या एस का उतना प्रतिशत आरक्षण एस को जितने प्रतिशत जनसंख्या एस का उतना प्रतिशत आरक्षण एस को और एस और एस अगर दोनों मिला के पचास या पचास से कम हैं तो ओ को कितना आरक्षण दिया जाता है पच्चीस आरक्षण और एस और या एस सी मिला के पचास से ज़्यादा हो जाते हैं तो ओ है? तो को कोई आरक्षण नहीं दिया जाता है इस प्रकार क्या है ग्राम पंचायत में आरक्षण है और 50 परसेंट महिला आरक्षण है छत्तीसगढ़ की ग्राम पंचायत में बाकी तिहत्तरवां संविधान के संशोधन के अनुसार कितना आरक्षण है कितना आरक्षण है तिहत्तरवां संविधान संशोधन में महिलाओं को आरक्षण कितना है तैंतीस परसेंट आरक्षण है तो यहां पर मैं आपको एक सवाल यही बता दिया आरक्षण कितना है ये दूसरा सवाल कवर हो गया तीन चार पाँच सवाल यहीं पर कवर हो गया ठीक है अब सी ऑप्शन देखते हैं ग्राम पंचायत में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं तो ये भी गलत हो जाएगा और डी ग्राम पंचायत में उपसरपंच का चुनाव चुने हुए पंचों में से किया जाता है देखिए वोट डालने के लिए सरपंच और पंच को हम लोग जाते हैं निर्वाचन सरपंच और पंच का होता है और पंच आपस में मिलकर उपसरपंच को चुनते हैं तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बी और सी जो है वो रॉन्ग आंसर है कंप्लीटली रॉन्ग है ठीक है तो मैं आपको एक एक सेंटेंस जो है उसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इसी तरीके से पढ़ा जाता है डायरेक्ट ऑप्शन टिक करने से कोई फायदा नहीं है एक लाइन में बता के निकल लूंगा तो डिटेल में आप लोग को समझाऊंगा एक एक लाइन को तभी समझ में आएगा आप लोग को ठीक है तो मुझे उम्मीद है कि नए स्टूडेंट्स भी हैं उनको यहीं पर पूरा पूरा चीजें समझ में आ जा रही होंगी ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन नंबर सेवन छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है अब यहाँ फिर से देखना सत्य नहीं है ऑप्शन ए राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है बी पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण किया जाता है सी पंचायतों को अपने कार्यों में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है और ऑप्शन डी पंचायतों के लिए समयबद्ध निर्वाचन कराए जाते हैं तो अपन धीरे धीरे करके देखते हैं एक ऑप्शन को ऑप्शन ए क्या है राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है बिल्कुल सही है ग्राम पंचायत जनपद पंचायत और जिला पंचायत बी पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण किया जाता है पूरा पूरा महिला आरक्षण अभी समझा दिया हूँ मैं सही है ऑप्शन सी पंचायतों को अपने कार्यों में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है ठीक तो इस क्या है पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है क्योंकि पंचायत राज्य सरकार के सहायता और सलाह पर काम करते हैं पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है कुछ कुछ चीज़ों पर जनपद पंचायत के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है जिला पंचायत और राज्य सरकार के ऊपर बेसिकली पंचायत जो है वो डिपेंड होता है तो ये हो जाएगा गलत और यही पूछा है सही नहीं है पूछा है तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर मतलब ऑप्शन सी जो है वो सही नहीं है ऑप्शन डी क्या है पंचायतों के लिए समयबद्ध निर्वाचन कराए जाते हैं हर पाँच वर्ष में पंचायतों का निर्वाचन होता है तो ऑप्शन डी तो ये बिल्कुल सही है तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो गलत है इसलिए सही नहीं पूछा है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण स्वत्ता प्राप्त नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायतों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है फिर से अंडरलाइन करो असत्य है ऑप्शन ए ग्राम पंचायत का गठन एक या एक से अधिक ग्रामों को मिलाकर किया जाता है ग्राम पंचायत का गठन एक या एक से अधिक ग्रामों को मिलाकर किया जाता है बिल्कुल सही है अभी आपको बताया था सवाल में बी ग्राम पंचायत का सरपंच उप सरपंच तथा पंच तथा सभी निर्वाचित पदाधिकारी होते हैं देखिए उप सरपंच जो होता है निर्वाचित नहीं होता है पंच अपने बीच से उसको चुनते हैं तो ये गलत हो गया ऑप्शन सी ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था बिल्कुल सही है ऑप्शन डी ग्राम पंचायत की बुनियादी इकाई ग्राम होती है बुनियादी इकाई क्या होती है ग्राम होती है ये बिल्कुल सही है तो यह क्या पूछा है असत्य है पूछा है तो ऑप्शन बी जो है वो असत्य हो जाएगा और ऑप्शन लास्ट में एक और ऑप्शन है ग्राम पंचायतों को करारोपण तथा कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का अधिकार है तो ये तो सही ऑप्शन है तो ऑप्शन बी ग्राम पंचायतों का सरपंच उप सरपंच तथा पंच सभी निर्वाचित पदाधिकारी होते हैं ये जो ऑप्शन है वो गलत है इसलिए यह आसन्न हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा क्योंकि उप सरपंच जो होता है वो पंचों के बीच से चुनाव जाता है निर्वाचित नहीं होता है ठीक है ऑप्शन तो बीस का राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है तो अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में डिटेल में मैं बताया था क्षेत्रों में बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए वहाँ पर तुरंत जो निर्वाचित किया जाता है अनुसूचित क्षेत्र में जो कि एस जाति का ही होना चाहिए ठीक है वो जो आ, 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 जो हो तत्समय उसी समय क्या किया जाता है ग्राम सभा के सदस्यों में से एक सदस्य का चुना जाता है सर्वसम्मति से और जो एस जाति का ही होना चाहिए तो यहाँ पर सरपंच नहीं होता उप सरपंच नहीं होता डी ग्राम सचिव नहीं होता ई सर्वाधिक वरिष्ठ नागरिक ये भी नहीं होता ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर ग्राम सभा द्वारा तत्समय निर्वाचित ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ग्राम पंचायत के पंच को पदयुच्च करने के विषय में क्या सही है पदयुच्च मतलब हटाना हटाने के विषय में किसको ग्राम पंचायत के पंच को पंच को हटाने के लिए क्या किया जाता है तो देखो यहाँ पर ग्राम पंचायत को पंच को हटाने के लिए क्या सही है देखो रिकॉ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव वो किसके लिए लाया जाता है जो अप्रत्यक्ष निर्वाचित है यानी उप सरपंच लेकिन यहाँ पर सरपंच के खिलाफ भी लाया जाता है ये एक अपवाद है सरपंच और उप सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव से हटाया जा सकता है तो पंचों को कैसे हटाया जाएगा तो पंच को किससे हटाया जाएगा रिकॉल से हटाया जाता है तो ऑप्शन ए देखो तो रिकॉल जो लाया जाता है वो ग्राम पंचायत में केवल रिकॉल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ रिकॉल सरपंच और पंच इन दोनों को किससे हटाया जा सकता है रिकॉल मतलब प्रत्यावर्तन तो अब देखो इसको ए पंच को अपने पद से अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है बिल्कुल गलत है अविश्वास प्रस्ताव सरपंच और उप सरपंच के लिए आता है ऑप्शन बी पंच को अपने पद से ग्राम सभा के बहुमत से हटाया जा सकता है ये भी गलत है बहुमत से नहीं हटाया जा सकता सी पंच को अपने पद से ग्राम सभा की बैठक में संबंधित वार्ड के मतदाताओं के बहुमत से ये भी गलत है ऑप्शन डी पंच को अपने पद से गुप्त मतदान की रीति से संबंधित वार्ड के मतदाताओं के बहुमत से हटाया जा सकता है तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है पंच को अपने गुप्त मतदान से अपने पद से गुप्त मतदान की रीति से संबंधित वार्ड के मतदाताओं के बहुमत से हटाया जा सकता है जिस वार्ड का वो पंच है वार्ड कहे वो पंच है उसके मतदाताओं के बहुमत से ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है तो ये समझ में आ गया आपको क्या सही है अब देखते हैं हम लोग ग्रामीण विकास तो दस क्वेश्चन मैंने जो है वो पंचायती राज का आप लोगों को कवर किया है मुझे उम्मीद है कि इस दस क्वेश्चन के अंदर ही आपको कम से कम बीस क्वेश्चन आप लोग का सॉल्व हो गया होगा एक एक क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन अच्छे से किया है अब ये दसों के दसों क्वेश्चन आपको चार्ट को जब आप पढ़ेंगे तो चार्ट में आपको सब चीज़ मिल जाएगा वहीं पर आपको सॉल्व मतलब दसों सवाल वहाँ से बन जाएंगे आपके देखिए पूरा प्रीवियस ईयर पर आया हुआ सवाल है और जो मैं आपको बताया हूँ ठीक अब हम लोग ग्रामीण विकास से स्टार्ट करते हैं तो यहां पर ग्यारहवा सवाल जो है वो ग्रामीण विकास से संबंधित है नरेगा प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के कौन से जिला में लागू नहीं किया गया है ठीक है नरेगा प्रथम चरण ठीक अब देखते हैं हम लोग तो देखो प्रथम चरण कब से शुरू हुआ था सबसे पहले ये देखते हैं दो फरवरी दो से अब शुरू में कितने जिले में लागू हुआ था ये एक अलग क्वेश्चन हो गया ग्यारह जिले में लागू हुआ था दो फरवरी दो से कौन कौन से जिले में लागू हुआ था तो बस्तर दंतेवाड़ा कांकेर कोरिया सरगुजा जशपुर बिलासपुर कवर्धा रायगढ़ राजनांदगांव और धमतरी तो अब देखो रायगढ़ में लागू हुआ था जशपुर में भी था बिलासपुर में भी था रायपुर में नहीं था ठीक है रायपुर में लागू नहीं हुआ था ठीक तो यहां पर प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के कौन से जिला में लागू नहीं किया गया था लिखा है तो रायपुर में लागू नहीं किया गया था ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर इसका ठीक और कब से चालू हुआ था वो तो मैं ही दिया तीसरा चरण कब से चालू हुआ था एक अप्रैल 2008 से चालू हुआ था क्वेश्चन नंबर 12 काम पाने का कौन से प्रकृति का अधिकार है काम पाने का अधिकार कौन सी प्रकृति का अधिकार है तो ऑप्शन ए है संवैधानिक अधिकार ऑप्शन बी है राजनीतिक अधिकार ऑप्शन सी है कानूनी अधिकार और ऑप्शन डी है मूल अधिकार तो देखिए पहले यह समझ लेते हैं कि यह सब अधिकार कौन से मतलब काम पाने का अधिकार मतलब नरेगा बोल रहा है आपको तो काम पाने का अधिकार जो है वो नरेगा के अंतर्गत ही काम पाने का अधिकार है ठीक है तो यह आपका कानूनी अधिकार है क्योंकि नरेगा को क्या किया गया है मांग आधारित रोजगार कार्यक्रम कहा जाता है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम दो हजार सितंबर दो को जारी किया गया है क्या बोलते हैं इसको राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कब से लागू किया गया सात सितंबर 2005 को जारी किया गया मतलब ठीक है ये जो अधिनियम है वो जारी किया गया था तो ये क्या है कानून में इसको कानून के तहत इसको अधिनियम को बनाया गया है तो इसलिए ये कौन सा अधिकार है कानूनी अधिकार है अब संवैधानिक अधिकार कौन सा अधिकार होता है जो संविधान में दर्ज है वो संवैधानिक अधिकार संविधान के जरिए आपको दिया जाता है वो संवैधानिक अधिकार है ठीक है और मूल अधिकार मूल अधिकार क्या होता है जो 12 से आर्टिकल मूल अधिकार है जो आपके वो 12 से 35 तक जो आपके मूल अधिकार हैं मौलिक अधिकार हैं तो मूल अधिकार के लिए आप क्या कहाँ जा सकते हैं मूल अधिकार के लिए आपका अगर मूल अधिकारों का हनन हो रहा है किसी तरीके से कोई कानून बनाकर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ जो है वो कोर्ट में अपील कर सकते आपके कोर्ट जो है वो मौलिक अधिकारों का रक्षक है तो मूल अधिकार क्या हो गए आपके आपके 12 से 35 तक जो अधिकार हैं जैसे कि आपका आर्टिकल 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है और भी तमाम प्रकार के जो अधिकार है, अधिकार हैं हैं वो आपके मूल और एक क्या होता है डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य की नीति के निदेशक तत्व तो, ये कौन से अधिकार हैं तो ये सामाजिक और आर्थिक अधिकार है सामाजिक और आर्थिक अधिकार आर्थिक अधिकार है क्यों सामाजिक और आर्थिक अधिकार है डीपीएसपी डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तो देखो यहां पर बताता हूँ आपको डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये सामाजिक और राजनीतिक अधिकार इन दोनों में अधिकार में अंतर क्या है मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में क्योंकि ये सारे अधिकार के खिलाफ अगर इनका हनन हो गया तो आप कोर्ट नहीं जा सकते ठीक है तो डीपीएसपी का हनन हो गया तो कोर्ट नहीं जा सकते लेकिन मूल अधिकार का हनन हुआ तो आप कोर्ट जा सकते हैं तो इनको प्रवर्तन कराना लागू कराना बाध्यकारी है मूल अधिकार को जबकि डीपीएसपी को लागू करना बाध्यकारी नहीं है स्टेट के राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया कि आप इनमें जो प्रदत्त अधिकारी को देते हैं कि नहीं देते हैं लागू कराते हैं कि नहीं कराते हैं इसके अलावा मैं कुछ कुछ और जो सवाल जो पूछे जाते हैं संविधान से रिलेटेड वो मैं आपको बता देता हूं तो सबसे पहले देखो मत देने का अधिकार ये मत देने का अधिकार को पूछता है वोटिंग का अधिकार मत अधिकार ये कौन सा अधिकार है मत देने का अधिकार भी आपका क्या है विधिक या कानूनी अधिकार है बहुत बार क्वेश्चन पेपर में पूछ चुका है व्यापम और पीएससी के विधिक क्या कानूनी अधिकार है वोटिंग का अधिकार इसी को संवैधानिक या वैधानिक करके भी दिए रहता है किसी किसी ऑप्शन में संवैधानिक या वैधानिक कभी कभी ऑप्शन में ये भी रहता है ठीक है इसके अलावा जो मूल अधिकार है आपका मूल अधिकार ये एक राजनीतिक अधिकार है राजनीतिक अधिकार है ठीक है और राज्य की नीति के निदेशक तत्व तो आपको बता दिया सामाजिक और आर्थिक अधिकार है और सूचना का अधिकार राइट टू इन्फॉर्मेशन रो सूचना का अधिकार क्या है राइट टू इन्फॉर्मेशन ये भी एक कानूनी अधिकार है और कौन से आर्टिकल में है ये कानूनी अधिकार जो सूचना का अधिकार है हम लोग का ये पूछ सकते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है सूचना का अधिकार हम लोग को आर्टिकल 19 के तहत दिया गया है जहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना राइट टू स्पीच वही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत कानूनी अधिकार को मतलब आरटीआई सूचना का अधिकार को शामिल किया गया है तो यहां पर मैं आपको कितना सारा सवाल एक ही क्वेश्चन में बता दिया देखो आपको ठीक है तो ये सब सवाल पिछले पेपर्स में पूछे गए हैं ये सब सवाल याद रखेंगे आप मताधिकार कौन सा अधिकार है राजनीतिक अधिकार कौन सा है मूल अधिकार क्या है डीपीएसपी क्या है आरटीआई कौन सा अधिकार है सब क्वेश्चन पूछा जा चुका है पिछले पेपर्स में ठीक अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्टींथ नंबर का क्वेश्चन नरेगा भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के अधीन कार्यरत है गृह मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय पंचायत मंत्रालय श्रम मंत्रालय तो ये आप सबको पता होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसको समझाऊं क्या आपको ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत नरेगा संचालित है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना का दूसरा चरण कब से शुरू हुआ था दूसरा चरण पहला चरण तो अट्ठाईस अगस्त दो से चालू हुआ था शुरुआत हुई थी ठीक है उसके बाद बी पंद्रह अगस्त दो हजार चौदह ये गलत है सी सोलह अगस्त दो हजार बारह भी गलत है पंद्रह अगस्त दो हजार पंद्रह दूसरे चरण की शुरुआत ठीक है प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत बोलेगी तो अट्ठाईस अगस्त दो हजार चौदह दूसरे चरण की शुरुआत पंद्रह अगस्त दो हजार पंद्रह ठीक है अच्छे से याद रखिएगा इसको नेक्स्ट क्वेश्चन भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के अंतर्गत पंद्रहवा क्वेश्चन देखते हैं स्वच्छ भारत मिशन यहाँ पर देखिए यहां पर करेक्शन कर लीजिएगा स्वच्छ भारत मिशन है ना ना स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के अंतर्गत गोवर्धन प्रोजेक्ट के लिए प्रावधानित राशि कितनी है ऑप्शन है ए दस लाख प्रति जिला ऑप्शन बी बीस लाख प्रति जिला ऑप्शन सी पचास लाख प्रति जिला और ऑप्शन डी तीस लाख प्रति जिला तो देखिए दूसरा चरण के तहत कितनी है गोवर्धन प्रोजेक्ट के तहत पचास लाख प्रति जिला ठीक है पचास लाख प्रति जिला डिस्ट्रिक्ट ठीक है अब देखो गोबर देखिए दूसरा जो गोवर्धन है ना स्वच्छ भारत मिशन जो दूसरा चरण है एक अप्रैल 2020 से चालू हुआ था इसको भी याद रखना एक अप्रैल 2020 से चालू हुआ था और कब तक चला था 31 मार्च 2025 तक चला था ठीक है इस ये एक चीज ये याद रखना दूसरा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट के लिए प्रति ब्लॉक कितना दिया जाएगा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सोलह लाख प्रति यूनिट दिया जाएगा फिकल स्लज मैनेजमेंट के लिए प्रति ब्लॉक दो सौ प्रति व्यक्ति पूरा टेबल के फॉर्म में बताया था मैं जब पढ़ाया था तो इसको इसको याद रखिएगा ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है तो 50 लाख प्रति जिला इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहीं पर दो तीन क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं सोलहवां क्वेश्चन देखते हैं छत्तीसगढ़ को कब खुले में मुक्त घोषित किया गया तो ऑप्शन ए है दो अक्टूबर दो ऑप्शन बी है एक अप्रैल 2020 ऑप्शन सी है दो अक्टूबर 2014 ऑप्शन डी है चार जनवरी 2018 छत्तीसगढ़ को खुले में शौच मुक्त कब घोषित तो देखिए चार जनवरी 2018 हजार चार जनवरी मैं आपको बताया था जब पढ़ाया था तो चार जनवरी 2018 को छत्तीसगढ़ को खुले में शौच मुक्त को प्राप्त कर लिया इस अचीवमेंट को और इसको नाम दिया गया उज्जर सुघर हमर छत्तीसगढ़ इसका स्लोगन क्या था स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का उज्जर सुघर हमर छत्तीसगढ़ ये स्लोगन को भी याद रखना आप लोग ठीक है और दो अक्टूबर 2019 इसको पूरे भारत को भारत को खुले में स्वच्छ मुक्त घोषित किया गया दो अक्टूबर 2019 से और चार जनवरी 2018 को भारत छत्तीसगढ़ को खुले में स्वच्छ मुक्त घोषित किया गया तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सत्रहवा निर्मल भारत अभियान का लक्ष्य क्या है ऑप्शन ए स्वच्छता अभियान की समीक्षा ऑप्शन बी छात्रों के बीच स्वास्थ्य शिक्षा सफाई को बढ़ावा देना ऑप्शन सी गोबर गैस संयंत्रों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाने वाले कार्बनिक कचरे को ऊर्जा में परिवर्तित कर ईंधन के रूप में उपयोग करना ऑप्शन डी स्वच्छता के लिए परिवारों को लक्षित न करके ग्रामों और समुदायों को रक्षित करना देखो निर्मल भारत अभियान का भी उद्देश्य जो है वो स्वच्छ भारत अभियान की तरह है लेकिन इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि परिवारों को लक्षित न करके ग्रामों और किसको लक्षित कर किया जा रहा है इसमें समुदाय को लक्षित करना है मतलब फैमिली को नहीं करना है तो देखो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में किसको किया जाता था परिवारों को लक्षित किया जाता था

एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम के तहत जनजातीय जिलों में कौन सा प्लान चलाया जाता है ए इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान बी सूखा प्रवण कार्यक्रम सी मरुभूमि विकास कार्यक्रम और डी समय समेकित बंजर भूमि विकास कार्य ठीक है, है तो ऑप्शन आ जाएगा इसका इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान आईएपी जिला आईएपी जिला समझे ना आईएपी जिला जो जनजाति जिला होता है सुदूर होता है जो रेयर होता है जहां पर पहुंचना ठीक है पहाड़ी इलाका जो होता है जनजाति जिला होता उसको IAP है उसको आईएपी जिला कहते हैं उसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान तो इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान चलाया जाता है जनजातीय जिलों में ठीक है तो इसको याद रखना आप नेक्स्ट देखते हैं उन्नीसवां क्वेश्चन वाटरशेड के अंतर्गत ग्राम सभा द्वारा गठित वाटरशेड समिति में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है तो देखिए जैसा कि आप सबको पता है फील्ड स्तर पर परियोजना क्रियान्वयन के लिए ग्राम सभा द्वारा वाटर समिति का गठन किया जाता है वाटर समिति का गठन कौन करता है यहाँ पर आपको पूरा बता रहा हूँ ग्राम सभा करता है ठीक है अब इसमें कितने सदस्य होते हैं मिनिमम कितने सदस्य होते हैं दस सदस्य होते हैं जिसमें दस सदस्यों में से आधे सदस्य स्व समूह और प्रयोगता समूह है ना एस एच समूह के होते हैं और इसमें दस में से एस टी के प्रतिनिधि होते हैं और क्या होते हैं महिलाएं होती हैं वुमन और कौन होते हैं भूमिहीन व्यक्ति और कौन होते हैं वाटर सेड विकास दल का एक प्रतिनिधि जो गवर्नमेंट डिसन वाटरशेड विकास दल इसका एक प्रतिनिधि होता है जिसको कौन डिसाइड करती है मतलब गवर्नमेंट का ही रहती है इसको गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन रहेगा और क्या है अन्य सदस्य रहते हैं तो इतने सदस्य रहते हैं मिनिमम में, में से एक एस एस जी का सदस्य रहेगा एस टी का रहेगा वुमन रहेगी और वाटर सेड विकास मजदूर रहेगा एक एक और सेड विकास दल के एक प्रतिनिधि तो इतने सदस्य से मिलकर क्या बनता है एक समिति गठित होती है और इसका रजिस्ट्रीकरण कहाँ होता है सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम अठारह के तहत रजिस्ट्रीकरण होता है तो ये सब सवाल भी आपको याद रखने हैं अब यहाँ पर गठित समिति में न्यूनतम संख्या होती है ऑप्शन बी दस जो होती है उसकी न्यूनतम सदस्य संख्या होती है तो ये सब को आप लोग समिति को पूरा डिटेल में आपको बता दिया याद रखिएगा इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है ये सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत इसको ऐड कर लीजिएगा सूचना 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 के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त सूचना की अवलोकन के लिए कितनी राशि तय की गई है तो देखिए पहले तो समझिए अवलोकन क्या होता है देखिए आप कोई डॉक्यूमेंट को गवर्नमेंट से मंग रहे हैं कि ये हमको इसको चाहिए करके लेकिन आप उसको परमानेंटली नहीं चाहिए आप देखना चाहते हैं बड़ी फाइल दे दी आपको दो पेज का तो आप उसमें से अपने काम की चीज़ को फोटोकॉपी करवाना चाहते हैं आपकी काम की चीज तो 200 पेज का जो अगर डॉक्यूमेंट कोई दे दिया तो उसको देखने के लिए समय चाहिए ना तो अवलोकन मतलब क्या होता है देखना तो देखना कि आपको क्या क्या चीज़ें वहाँ पे ज़रूरत है तो उसके लिए अगर चाहिए तो कितना राशि उसको देना पड़ेगा सौ रुपये प्रति घंटा दो सौ पचास रुपये प्रतिदिन दस रुपये प्रतिदिन या फिर पचास रुपये प्रति घंटा तो अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट को देखना है तो पचास रुपये प्रति घंटा देना पड़ेगा एक घंटे का कितना लगेगा पचास रुपये डॉक्यूमेंट को देखना है तब अब जैसे कि उसके बाद एक घंटा हो गया आपका ठीक है तो एक घंटे का कितना लगेगा पचास रुपये उसके बाद हर घंटे हर पंद्रह मिनट का पच्चीस रुपये लगेगा प्रति पंद्रह मिनट इसका कितना लगता है पच्चीस रुपये लगता है ठीक है तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा दो सौ पचास रुपये प्रतिदिन क्या चीज़ का लगता है दो सौ पचास रुपये प्रतिदिन क्या चीज़ का लगता है मैं बताया था आप लोग को यदि जन सूचना अधिकारी आवेदन लेने से मना करता है और तय सीमा में सूचना नहीं उपलब्ध कराता है या गलत या भ्रामक जानकारी देता है तो देरी के लिए दो सौ प्रतिदिन लगता है देरी के लिए ये किसके लिए लगता है देरी के लिए दो सौ प्रतिदिन लगता है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट right आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी पचास रुपए प्रति घंटे ठीक तो इस तरीके से आपका मैंने 10 सवाल पंचायती राज के कवर किए हैं हम लोगों ने और 10 सवाल लगभग हम लोगों ने ग्रामीण विकास का डिटेल में कवर किया है लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है इन 20 सवालों से आपका लगभग 40 से 45 सवाल कवर हो गया होगा ठीक है इसी तरीके से और भी जब हम लोग एम सू से एम सीरीज़ करेंगे एम करेंगे तो डिटेल में मैं आपको एक एक चीज़ों को एक एक लाइन को कवर करते हुए चलूँगा जिससे आप लोग को बेनिफिट मिल सके अब देखिए आप दस सवाल जो है तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे और इसी तरीके की अगर आप और आपका आपके आपसे कितना सवाल सॉल्व हुआ ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और इसी तरीके से आप अगर कहीं चाहते हैं और संडे को कुछ हम लोग इनोवेटिव करेंगे रविवार का रण में और इसी तरीके से कुछ अलग नए करेंट अफेयर्स या फिर एमसीक्यू की सीरीज लाएंगे नेक्स्ट संडे को उसके बाद मंडे टू सैटरडे आप लोगों की क्लास चलेगी ठीक है रेगुलर क्लास जो अजैविका की चलती है वो ठीक तो अगर आप लोग इसी तरीके का कुछ अच्छा चाहते हैं आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा और अगर इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा अच्छे लाइक रहे अच्छे कमेंट रहे अच्छे शेयर आप लोग करेंगे तो बिल्कुल हम लोग इसी तरीके से और इस तरीके की क्लासेस लाते रहते हैं पूरा डिपेंड करेगा आपके रिस्पॉन्स के ऊपर ठीक है आपका रिस्पॉन्स कैसा रहता है तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी आ, आ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद वंदे मातरम